नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम लेक्सिकन पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय YouTube चैनल एग्जाम लेक्सिकन। ठीक है, तो आज हम द हिंदू के जितने भी एडिटोरियल इंडिया से रिलेटेड होंगे उनको एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स, जिन जिन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक बेल आइकन बना आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो हम जैसे कि डेली एक पॉजिटिव कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, आज भी हम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या बोल रहा है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो अगर आप में मान लीजिए आपको लगता है कि यू आर इन्फीरियर टू अदर्स, आप थोड़ा सा दूसरों से कम इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि बॉर्न टैलेंट होता है उनमें, वो ऑलरेडी काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, उनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैचअप कर लेते हैं। अगर आपको लगता है आप उनमें से नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन बीट दोज गाइज इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहें एक स्ट्रेटजी बना के इन द राइट डायरेक्शन, तो यू कैन इवन बीट दोज गाइज विच हैव बॉर्न टैलेंट, जिनका आईक्यू आपसे तेज है उनको भी आप पछाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल आज का। तो आज का जो पहला है एडिटोरियल वो है टॉकिंग फेयर ट्रेड इन दिल्ली। ठीक है, अब क्या है, दिल्ली में एक WTO की मिनी मिनिस्ट्रियल मीट होने वाली है। देखिए, इसकी जो मिनिस्ट्रियल मीट होगी वो कब होगी, सेकंड मिनी मिनिस्ट्रियल मीट होगी May 13th और 14th को। उससे पहले डेवलपिंग कंट्रीज ने एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली के अंदर। डेवलपिंग वो किस चीज़ के लिए है, फॉर स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षीय, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आके एक साथ काम कर सके। ठीक है, तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, ये दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या इसकी खास बात है, इसका मैं आपको मेजर एक सार तो बता देता हूँ पहले। इसमें क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड नेशन लाइक US हो गया या रशिया हो गया, मतलब जितने भी बड़े बड़े नेशंस हैं इसके अंदर ऑलरेडी, वो क्या करते हैं, वो एक अलायंस बना के, वो अपना एक ग्रुप बना के, और जितनी भी सब्सिडीज़ होती है, मतलब वो मेजरली खुद का फ़ायदा देखते हैं, और सब्सिडीज़ वगैरह जितनी भी होती है वो अपने किसानों को देते हैं रादर देन डेवलपिंग नेशंस या पुअर नेशंस के किसानों को। तो उसके लिए इंडिया और जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको अपना एक आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। To discuss the interest of developing and least developed countries in global trade, this informal meet will also focus on accusations by US that these economic benefits from exemption meant for the poor nations. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो जितनी भी developing and least developed countries हैं, ठीक है, उनका जो interest होगा उसको discuss किया जाएगा, plus US ने इसमें accusation लगा रखे हैं, मतलब एक तरीके से यूएस ने इल्ज़ाम लगा रखा है दैट दीज इकोनॉमीज बेनिफिट्स फ्रॉम जितने भी पुअर नेशंस हैं उनके लिए जो एग्जेम्पशन होता है, एग्जेम्पशन मतलब छूट, वो छूट का फ़ायदा ये डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फ़ायदा उठा ले, मतलब डेवलपिंग नेशंस उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इस पर बात की जाएगी। ओवरऑल इट कुड बी अ प्रिपेरेटरी मीटिंग टू सेट कॉमन एजेंडा, सबका एजेंडा कॉमन रहे, सेम रहे, एट द 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड फॉर June 2020 एट अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, ये अभी जो ये तो हो रही है अपनी सेकेंड मिनी मिनिस्टेरियल मीटिंग, इसका जो लार्जर वर्जन होगा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कि होगा June 2020 में एट अस्ताना कजाकिस्तान, ये आप याद रखिएगा, ये कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए कॉमन एजेंडा सेट करने के लिए ये सारी डेवलपिंग नेशंस मिल रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पे अपन नॉट डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मिल रही है ताकि वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सके कॉमन एजेंडा पे। ठीक है, द 11th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो कि ब्यूनस एयर्स में हुई थी December 2017 में कोलैप्स्ड डिस्पाइट एफर्ट्स बाय 164 WTO नेशंस मेंबर्स टू इवॉल्व अ कंसेंसस ऑन सेवरल इशूज। ये 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एकदम कोलैप्स हो गई थी, जबकि 164 नेशंस ने वहाँ पे एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश करी लेकिन तो भी नहीं बन पाई, इसलिए वो कोलैप्स हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए ये ऑलरेडी इस बार मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कर रहे हैं सो देट वहाँ पे एक कॉमन एजेंडा बना के जाए और वहाँ पे एक आपसी सहमति पे बात खत्म हुई।
The US has refused a reduction in subsidies and also pulled back on its commitment to find a perennial, perennial मतलब क्या होता है, everlasting, जो permanent solution, एक तरीके से permanent solution to public stock holdings and issue central to developing and less developed countries. देखिए public stock holding क्या होता है, public stock holding होता है जैसे कोई government procure कर लेती है, मतलब कुछ food वगैरह कुछ चीजें ले लेती है और poor लोगों को देने के लिए वो रखती है. फॉर एग्जाम्पल एक MSP करके स्कीम आई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट 10% 15% ज़्यादा रेट पे किसानों से उनका जितने भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं या उगाते हैं वो खरीदती है. ठीक है, और बाकी पूरे लोगों को पहुंचाने के लिए वो एक स्टॉक होल्डिंग मतलब वो एक स्टॉक बना के रखती है. ठीक है, और ये बहुत ही एन इशू सेंट्रल टू डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. ये जैसे इंडिया हो गया या उससे भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसमें एक ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है. ठीक है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का. ठीक है, तो US ने क्या किया, इट रिफ्यूज्ड अ रिडक्शन इन सब्सिडीज. इसने सब्सिडीज भी कम नहीं करी. ठीक है, एंड ऑल्सो पुल्ड बैक ऑन इट्स कमिटमेंट. इसने कमिटमेंट किया था कि हम एक एवर लास्टिंग एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, उसके लिए भी इसने मना कर दिया, पीछे हट गया, इसने धोखा दे दिया उस चीज़ के लिए भी. इनफैक्ट द डेडलॉक लेफ्ट. ये कब की बात है, ये बात है 11th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की, ये लास्ट टाइम ये हुआ था. ठीक है, तो इनफैक्ट डेडलॉक लेफ्ट मैनी ट्रेड एनालिस्ट वंडरिंग वेदर दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एंड फॉर WTO. ठीक है, तो काफी सारे एनालिस्ट को ये लगने लगा कि अब WTO का खात्मा हो जाएगा और ये बंद हो जाएगी, आगे जाके ये कॉन्फ्रेंस होना ही बंद हो जाएगी. ठीक है, डिस्पाइट द अर्लियर आउटकम्स ऑफ द मिनिस्टेरियल मीटिंग्स. ठीक है, द दिल्ली मीट हैज क्रिएटेड सम होप. ये जो दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है, मिनी मिनिस्टेरियल मीटिंग, ये एक तरीके से एक होप है ताकि WTO में जाके एक अच्छे सा एक बात हो सके और सारी कंट्रीज मिलके एक कॉमन एजेंडा पे बात कर सके और एक आपसी सहमति बना सके टू रेसिसिटेट दी WTO. इसको एक तरीके से वापस से पुनर्जीवित करना इसको बोलते हैं पुनर्जीवित, इसका मतलब होता है, और टू रिवाइव, वापस से इसको जगा सके, क्योंकि ये एक तरीके से इसका लास्ट टाइम जो एंड हुआ था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड था, कोई भी एकदम कोलैप्स हो गया था 11th मिनिस्ट्रियल मीटिंग. इसलिए इस बार ये जो है दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है, इट इज़ अ होप, इससे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है. ठीक है, द इशूज़ अंडर डिस्कशन विल रिलेट टू, यहाँ पे कौन कौन से इशूज डिस्कस होंगे, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, डिजिटल ट्रेड कैसे करना है, फिशरीज के बारे में, सब्सिडीज क्या क्या कैसे कैसे मिलेगी, एनवायरमेंटल गुड्स के बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड अदर मैटर्स राइट फॉर नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, मेनली इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन. ठीक है, कुल मिला के जितना भी होगा डिस्कशन होगा अलग अलग इश्यूज पे, और मेनली क्या रहेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो जाए, काफ़ी आसान हो जाए. ठीक है, फ्रॉम ए प्लूरीलेटरल अप्रोच टुवर्ड्स मल्टीलेटरिज्म, मेंबर्स मे ऑल्सो इंश्योर दी सेंक्टिटी एंड रिवेबिलिटी ऑफ WTO. इट इज़ देयरफॉर इंडिस्पेंसिबल, यानी एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत जरूरी है टू ब्रिंग दी म्यूचुअल अकॉर्ड मतलब आपसी सहमति, mainly on the timelines to implement policies as an outcome of talks. ठीक है, ताकि ऐसी एक आपसी सहमति बन पाए कि ये जो policies है, जो भी बातें हो रही है, इनको implement भी कर पाए. Bridging the gap. अब ये जो भी एक gap आ गया है US और जितनी भी developed nations है और developing और least developing nations में जो gap आ गया है उसको कैसे कम करना है वो हम देखते हैं. ठीक है, इस पर कैसे बातें होंगी. The economies of the developing and the less developed world विद लिटिल बार्गेनिंग पावर. ठीक है, डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड नेशंस के पास जो वर्ल्ड जो है उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है, उनको बाकियों की जितनी भी शर्तें होती हैं उन पे मतलब अपना एग्रीमेंट देना ही पड़ता है, वो खुद से अपनी शर्त नहीं रख पाते हैं. ठीक है, ज़्यादा उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है. वर अनेबल टू गेन मार्केट एक्सेस इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज. ठीक है, विच वर इन्फ्लुएंशियल इन नेगोशिएशंस especially when it came to agricultural commodities. अब देखिए जितनी भी developing and less developed world है, जितनी भी इतनी countries हैं, उनका जो major source of income है वो agricultural ही होता है, including India. India में agriculture बहुत बड़ा एक तरीके से
कारोबार मान लीजिए तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में भी और हर लेस डेवलप्ड कंट्री में ये बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, ये अच्छे से डेवलप्ड कंट्रीज में अभी तक एक मार्केट एक्सेस नहीं गेन कर पा रही थी, ठीक है, डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। द डेडलॉक ऑन द इशू ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड नेगोशिएशन फर्स्ट इन द लेट 1980s देन इन 2017 वाज नो सरप्राइज। द डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक मलेशिया, ब्राजील, इंडिया टू डिसिप्लिन द फार्म रेजिम इन देयर फेवर कंटिन्यू देयर फॉर थ्रेटनिंग द WTO's कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एजेंडा। अब क्या हो रहा है कि इनके अंदर एक एग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में टू डिसिप्लिन द फार्म रेजिम इन देयर फेवर कंटिन्यूज। तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एग्रीकल्चरल को लेके एक एग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा है, उस चक्कर में देयर बाय थ्रेटनिंग दी WTO's मेन एजेंडा। तो इससे जो WTO का जो मेन एजेंडा है वो ही खतरे में आ गया है, ठीक है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम ट्रेड ऑल्सो गेट्स बिलाइड। जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी झुटला दी गई है ड्यू टू साइजेबल सपोर्ट बाय द डेवलप्ड नेशंस टू देयर फार्मर्स इन अ सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर एंड अदर अनसर्टेनिटीज। अब क्या है, डेवलप्ड नेशन क्या कर रहे हैं, वो इस साइजेबल सपोर्ट मतलब काफी भारी सपोर्ट दे रहे हैं वो किस चीज को, अगर उनका मार्केट फेल हो जाता है या कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो वो अपने फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं सिचुएशन में रादर देन डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स को, ठीक है। द सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज टेंड्स टू ब्रिंग डिस्टॉर्शन इन कमोडिटी प्राइसेस। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एस्टिमेटेड द क्वांटम ऑफ सब्सिडीज बाय डेवलप्ड नेशंस टू वेरी फ्रॉम $300 टू $320 बिलियन एनुअली, ठीक है। अब उन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपना सब्सिडीज भी बढ़ाने की मांग कर दी है, कहाँ से, $300 बिलियन से $325 बिलियन विच इज मच हायर देन एस्टिमेटेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का जो सब्सिडी मिलेगी उनको इससे बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं। दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन इन ट्रेड टॉक एज फार्म लोबीज इन द US, यूरोप, जापान हैव स्टेडली एक्सरसाइज पॉलिटिकल क्लाउड टू इन्फ्लुएंस ऑफिशियल एंड लॉ मेकर्स टू कंटिन्यू गिविंग सब्सिडी टू फार्मर्स। अब इन्होंने क्या किया है, US और जितनी भी ये डेवलप्ड नेशन है, US, यूरोप, जापान, इन्होंने अपना एक्सरसाइज पॉलिटिकल क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है, दबदबा, उनका जो राजनीतिक दबदबा है, ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज है, तो इन्होंने अपना ये दबदबा यूज करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफिशियल्स और जितने भी लॉ मेकर्स जो भी लॉ बनाते हैं WTO में उनको इन्फ्लुएंस किया किस चीज़ के लिए, टू कंटिन्यू गिविंग सब्सिडीज टू देयर फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स को उनके फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए। अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट डेवलप्ड कंट्रीज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है। इन्होंने बहुत ही टिपिकल रूल्स बना दिए जो कि इस एक्सर्ट का मतलब क्या हो गया, और वर्सन कर देता है, और बिगाड़ दिया इन्होंने सिचुएशन को, इन प्रॉब्लम्स को फेस्ड बाय द पुअर कंट्रीज दैट आर विलिंग टू एक्सपोर्ट। जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करना चाह रही है उनके लिए इन्होंने रूल्स ऐसे बना दिए कि ये और ज़्यादा टफ हो चुका है, ठीक है। तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग और बढ़ जाएगी इनके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद मैनी NTMs आर एसेमेट्रिकल, ठीक है। ये NTMs की जितनी भी कॉस्ट है ये भी एसेमेट्रिकल है अक्रॉस एक्सपोर्टर्स बिकॉज कंप्लायंस डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट फैसिलिटीज टेक्निकल नो हाउ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जो इनका जो कंप्लायंस है इन किनका NTMs का नॉन टेरिफ मेजर्स का जितना भी कंप्लायंस है ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ों पर, कि आपकी कंट्री में प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसी है, कितनी टेक्नोलॉजी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ये ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर यूजुअली इन एडिक्वेट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में ऑलरेडी लैक करते हैं, वहाँ पे होते ही नहीं है इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी नहीं होती है वहाँ पे। दीज कंट्रीज आर देयरफॉर अनेबल टू कम्पीट। जो छोटी कंट्रीज हैं वो कम्पीट कर ही नहीं पा रही है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड जो सेक्टर उनके वहाँ पे मेजर सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड अपेरल्स, इसी के अंदर वो
ज्यादा कमा नहीं पा रही है, दे हार्डली गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज आर विलिंग टू ब्रेक द डेडलॉक ऑन दीज इश्यूज एंड आई एम प्रिपेयरिंग ए कॉमन ग्राउंड. अब डेवलपिंग कंट्रीज का यही मुद्दा है इस मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कि हम एक अपनी आवाज उठाएं, एक कॉमन ग्राउंड बना के, मतलब एक कॉमन एजेंडा लेके वहाँ पे डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी उसमें हम जाएं और हमारी आवाज़ उठाएं. ठीक है, इंडिया इन पर्टिकुलर सीक अमेंडमेंट ऑफ लॉ ऑन यूनिलैटरल एक्शन बाय मेंबर्स ऑन ट्रेड इश्यूज एंड रेजोल्यूशन ऑफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम. द एक्सपेक्टेशन क्या होगी इज दैट मीटिंग में लीड टू पॉलिसी गाइडेंस ऑन इशूज सच एज ग्लोबल नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम पेटेंटिंग बाय कॉर्पोरेट्स. तो इनको क्या करना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बचाने के लिए, किसके थ्रू, पेटेंट के थ्रू, प्रोटेक्शन थ्रू सब्सिडीज, सब्सिडीज के थ्रू ई कॉमर्स, फूड सिक्योरिटी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पुअर इकोनॉमीज. जितनी भी पुअर इकोनॉमीज हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए डब्ल्यूटीओ के में, इसलिए इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी इंडिया और अदर डेवलपिंग नेशंस को और लेस डेवलप्ड कंट्रीज को. अब इस डेडलॉक जो ये आ गया है, डेडलॉक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप एक जगह अटक गए हो. ठीक है, अभी डब्ल्यू टी ओ की यही हालत है कि वो एक तरीके से वो अटक गया क्योंकि लास्ट उसकी मीटिंग कोलैप्स हुई थी, तो अब उन्हें एक कॉमन एजेंडा पे पहुंचना है. Importantly, if the interest of the developing and less developed countries are not addressed, ठीक है, ceteris paribus का मतलब होता है सारी conditions को same रख के, ये एक jargon है, convoluted negotiation and dictums will become trivial now and in the future. ये और जाके future में जाके और issues create करेगा अगर ये अभी ही इस problem को solve नहीं किया जाता. For example, 10th ministerial meeting में क्या हुआ था, laid emphasis on agricultural trade. इसमें एग्रीकल्चर ट्रेड पे वहाँ पे मेजर इशू था जिसको उठाया गया था वहाँ पे, बट इट वाज अ सेटबैक टू मोस्ट एग्रियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड इन अफ्रीका व्हेन डेवलप्ड कंट्रीज डायरेक्टली चैलेंज देयर मॉडल ऑफ फूड सिक्योरिटी डिजाइंड फॉर द पुअर. अब वहाँ पे इंडिया और अफ्रीका में जो भी फूड सिक्योरिटी का मॉडल बताया था उसको डेवलप्ड नेशन ने मतलब चैलेंज कर दिया, उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से नकार दिया उनको. एंड द आउटकम eloquently in a fluent manner showed the constraints of a multilateral negotiation system where the need for agreement and not compromise prevails. तो मतलब एक ऐसा multilateral negotiation होना चाहिए जहाँ पे सबका agreement हो, किसी को compromise ना करना पड़े और हर एक member, चाहे वो कितना भी, no matter how small, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितनी भी बड़ी country हो, वो to block any progress on all issues. उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रोग्रेस मतलब को ब्लॉक कर सके और मतलब उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसको कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. इन व्हाट हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड एनवायरनमेंट मेंबर्स विद वाइड एंड डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैव सिंपली हॉल्टेड द प्रोसेस एंड रिफ्यूज टू नेगोशिएट इन गुड फेथ अक्रॉस ए स्पेक्ट्रम ऑफ इशूज. अब जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अलग अलग अपने इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट देखती हैं, तो उन्होंने दूसरों की, दूसरी जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं उनकी मतलब उनके जो प्रोसेस है उसको तो एकदम हॉल्ट कर दिया, रोक दिया है उस चीज को. ठीक है, अब देयर वाज अ सिमिलर आउटकम एट ब्यूनोस एयर्स 2017, ऐसा ही 2017 में भी हुआ था. डेवलप्ड नेशंस क्रिएटेड अलायंस, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने एक अलायंस बना लिया, मतलब वो एक साथ इकट्ठे हो गए और टू प्रिपेयर द ग्राउंड टू पुश नेसेंट इशूज, उन्होंने वहाँ पे नए नए मुद्दे उठा दिए, जबकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पुराने मुद्दे तो फुलफिल कर नहीं पा रही थी, अब ये नए मुद्दों पे और बात करने लग गए. तो ठीक है, सच एज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, रूल्स फॉर ई कॉमर्स, जेंडर इक्वलिटी एंड सब्सिडी ऑन फिशरीज, ये सारे इशू डेवलप्ड नेशंस ने उठा दिए मिलके, व्हाइल मोस्ट डेवलपिंग नेशंस वर अनेबल टू फुलफिल और इम्प्लीमेंट रूडिमेंट्री डिक्टम्स. रूडिमेंट्री मतलब बेसिक जितने भी इश्यूज हैं वो तो सॉल्व कर नहीं पा रही थी डेवलपिंग नेशंस, और इन्होंने नए नए इशू और उठा दिए. ठीक है, फॉर इंस्टेंस ई कॉमर्स हैज़ बीन अ की एजेंडा फॉलोइंग द सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा. ई कॉमर्स एक की एजेंडा रहा है सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि जेनेवा में हुई थी 1998 में, तब से ई कॉमर्स हैज़ बीन अ की एजेंडा ऑफ डब्ल्यू टी ओ. इट वॉज एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ वर्क प्रोग्राम टू एग्जामिन ग्लोबल ई कॉमर्स विद अ फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन
कॉमर्स एंड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की ऐसा एक वर्क प्रोग्राम बनाएंगे ताकि जो ई कॉमर्स और जितने भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप बन सके, एक कोऑर्डिनेशन बन सके, ठीक है, और उसके थ्रू जितना भी ग्लोबल ई कॉमर्स है उसको एग्जामिन कर सके। इट जनरेटेड अ साइजेबल डिबेट, ठीक है, ऑन द फ्रिंजेस ऑफ कॉन्फ्रेंस एज मेनी एग्रीगेटेड एनजीओज अपोज्ड इट एंड रेज्ड कंसर्न दैट इट वाज अ पुश बाय डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर्स। लेकिन जितने भी एनजीओज थे इन्होंने इसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई कि ये जितने भी डोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके द्वारा उठाया गया एक मुद्दा है, और द अंडरलाइंग फियर वॉज इट माइट अलाउ अनफेटर्ड एक्सेस टू डेटा विच कुड देन बी प्रोसेस्ड एंड एक्सप्लोइटेड बाय प्रॉफिट बाय डेवलप्ड नेशन। इसके थ्रू क्या होगा, जितना भी डेटा होगा ई कॉमर्स का, वो डेवलप्ड कंट्रीज अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, अनफेटर्ड एक्सेस टू डेटा, उनको जितना भी डेटा होगा उसका एक्सेस मिल जाएगा, जो कि जिसका शोषण हो सकता है फॉर प्रॉफिट बाय डेवलप्ड नेशन, ठीक है, मेनली द US। द दिल्ली मीटिंग कैन बी ए ब्रेक थ्रू, ये एक जो मीटिंग हो रही है ये एक ब्रेक थ्रू मतलब एक मतलब समाधान हो सकता है इस चीज़ का, जहाँ पे ये लोग बात कर सकते हैं टू ब्रिंग अपॉन अ कॉमन एजेंडा। If members negotiate these issues in a convergent manner, convergent का मतलब क्या होता है, सब एक ही direction में जाएं और एक ही मुद्दे पे बात करें और एक ही मुद्दा उठाएं। The time is opportunity for developing countries to voice their concern and push for a stable and transparent environment for multilateral trade, कि वो सारे अपनी आवाज़ उठाएं, जितने भी developing countries हैं, और एक stable and transparent मतलब पारदर्शी environment तैयार करें, किस चीज़ के लिए, multilateral trade, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा countries काम कर सके एक साथ, उसके लिए एकदम पारदर्शी और अच्छा सिस्टम बना पाए, ठीक है। इंडिया मस्ट डू इट्स होमवर्क टू फोकस ऑन द अनरिजॉल्व्ड इशू, इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक तो अनरिजॉल्व्ड इशूज पे अपना फोकस रखना पड़ेगा, जितने भी इशूज अभी तक अनरिजॉल्व्ड रहे हैं उनको ध्यान रख के उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी, एंड एड्रेस द न्यूअर वंस, जितने भी विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू डेवलप्ड नेशंस, और जितने भी न्यू इशूज उठा रहे हैं डेवलप्ड नेशंस अपने खुद के फायदे के लिए, उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, मेनली इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ताकि इन्वेस्टमेंट एकदम फैसिलिटेट हो जाए, आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाए। द WTO नीड्स टू बी सस्टेन्ड एज कंट्रीज नीड एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू फॉर्मुलेट ट्रेड रूल्स एंड ब्रिंग कन्वर्जेंस ऑन डाइवर्जेंट मैटर्स, ठीक है। WTO को ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा कि अब ये WTO नीड्स टू बी सस्टेंड का मतलब क्या है, WTO को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि WTO एकदम ख़त्म ही हो जाए, ये कॉन्फ्रेंस होना ही बंद हो जाए, क्यों, एस कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना टू फॉर्मुलेट ट्रेड रूल्स तैयार करने के लिए, एंड ब्रिंग कन्वर्जेंस ऑन डाइवर्जेंट मैटर्स, जितने भी अलग अलग इशूज़ हैं उन पर एक आपसी सहमति बनाने के लिए, इसलिए इससे बेटर होगा इस चीज़ का, ये जितना भी पूरा ये था ये एडिटोरियल था, इसका एक पूरा एक सिंपल सा सार यही है कि WTO को बंद नहीं होने दिया जा सकता, जितनी भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक कॉमन एजेंडा लेके जाना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा, और डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक तरीके से नेगोशिएट मतलब उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि वो उनकी बात माने और सबका भला हो पाए और सब एक मल्टीलेटरल ट्रेड ऐसा एक सिस्टम तैयार हो पाए जहाँ पे सबके लिए ईजी हो जाए, ठीक है, ट्रेड करना। चलिए अब दूसरा हम एडिटोरियल देखते हैं, ये है ओडिशा से रिलेटेड, जहाँ पे फोनी नाम का एक तूफान आ गया और उसने, बट हाँ, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज शोन बाय एग्जांपल हाउ टू मैनेज अ नेचुरल डिजास्टर, इस बार ओडिशा की गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से इस डिजास्टर को मैनेज किया है ताकि लीस्ट नंबर ऑफ लाइव्स, वी हैव लॉस्ट लीस्ट नंबर ऑफ लाइव्स, जितना मतलब जितनी भी डेथ टोल को वो जितना कम कर सकते थे उन्होंने किया है, उन्होंने दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, ठीक है, और ये आपके जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रेस्पेक्ट से, इसमें कई सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी कि हाउ टू टैकल विद अ कंडीशन लाइक डिज़ास्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, साइक्लोन फोनी हैज़ लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल ओडिशा, जहाँ पे मतलब समुद्र वगैरह है वहाँ पे, बट इट्स मैनेजमेंट हैज़ एमर्ज्ड एज अ ग्लोबल एग्जाम्पल, इन्होंने जो इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया है कि इन्होंने एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट कर दिया है ऑफ हाउ टाइमली वेदर अलर्ट्स, इन्होंने बिल्कुल टाइमली वेदर अलर्ट्स दिए हैं,
एंड प्रिपेयर्डनेस दे वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है, एंड इन्फॉर्म पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन, एकदम तैयारी और टाइमली वेदर अलर्ट्स, उन्होंने ऑलरेडी अलर्ट दे दिया था कि हाँ भाई ऐसा तूफान आने वाला है, एंड इट हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, इससे कम से कम लाइफ गई है, डेथ टोल बहुत कम गया है, ठीक है। द टोल फ्रॉम द एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, आपने सुना होगा कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी वहां पे, तो कितना खतरनाक तूफान होगा। कब आया था ये? 3 मई को, ये डेट आप याद रखिएगा और इसका नाम भी याद रखिएगा, फोनी एटली, और जो भी लास्ट जो गिनती आई थी डेथ्स की वो थी 34, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, और ये बहुत ही कम है, और ये क्यों मतलब इतने, क्योंकि इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्होंने मूव कर दिया था, ठीक है, तो इन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है कि डेथ टोल्स को इन्होंने मिनिमाइज कर दिया है। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल लॉस, मटेरियल लॉस देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल लॉस हुआ है। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स वर बैटर्ड, काफ़ी सारे ज़िले तबाह हो गए थे, काफ़ी चीज़ें तबाह हो गई, हाउस फ्लैटेंड मतलब काफ़ी सारे घर गिर चुके थे वो भी तबाह हो चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी फ़ोन वगैरह के जितने भी तार खंबे वगैरह ये सब होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तबाह हो गया था। बट द रिलेटिवली लो मोर्टिलिटी, लेकिन लोग बहुत बहुत कम मरे रिलेटिव टू अदर साइक्लोन्स ओडिशा में जो आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट में, शोज अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉस ऑफ 10,000 लाइफ्स। देखिए 1999 में एक साइक्लोन 05 भी करके आया था ओडिशा में, तब 10,000 जाने गई थी, और उसके बदले इस बार इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी कि सिर्फ और सिर्फ 34 डेथ हुई है। हालांकि डेथ तो डेथ ही होती है, इट इज़ ऑलवेज अनफॉर्चुनेट, फिर भी इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे से तैयारी करके इस चीज़ को बहुत ही मिनिमाइज किया है, ठीक है। ओडिशा देन वर्क टू अपग्रेड इट्स प्रिपेयरनेस, 1990 के बाद इन्होंने अपनी तैयारी करी, और ये तैयारी जो इन्होंने करी थी, इनके 2013 में एक और तूफान आया था साइक्लोन स्टॉर्म फैलीन, इसके टाइम पे इनकी जो तैयारी थी ये उस टाइम ही चेक हो गई थी कि इनकी तैयारी कितनी अच्छी है, एंड इन्होंने उस टाइम पे सिर्फ 44 जाने वहाँ पे गई थी, डेट टोल वाज ओनली 44 दैट टाइम फ्रॉम 1999 जहाँ पे 10,000 जाने गई थी, और इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करी कि 2013 में जब तूफान आया तो इन्होंने इतना मिनिमाइज कर दिया था लॉस को, इंस्पायर्ड ऑफ ए वाइल्ड आर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, जबकि डिस्ट्रक्शन 2013 में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, कितना 13 मिलियन पीपल वर हिट एंड हाफ ए मिलियन मतलब 5 लाख हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन तो तब भी हुआ था, लेकिन जाने इन्होंने 10,000 से सिर्फ 44 पे लेके आ गए थे, और इस बार सिर्फ अभी तक 34 जाने गई है, ठीक है। The Odisha government and the center now have the task of rebuilding infrastructure. अब Odisha government plus अब जो center के पास जो task है वो है कि हम infrastructure जो तबाह हो चुका है उसको कैसे वापस बनाए देश, लेकिन अब क्या है ये जो opportunity इनको मिली है वापस से infrastructure को खड़ा करने की, उन्हें किस चीज़ के लिए use करना चाहिए, एक तो to upgrade technology, अपनी technology को upgrade करें, ठीक है, achieve cost efficiencies, अपना cost कैसे कम से कम कर सकें इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, बिल्ड रिजिलेंस टू एक्सट्रीम वेदर, ऐसा कुछ बनाएं कि जित एक्सट्रीम वेदर भी आए तो इनको मतलब ज़्यादा नुकसान ना हो, ऑल ऑफ विच कैन मिनिमाइज फ्यूचर लॉसेस, ये सब चीज़ें जो तीनों चीज़ें हैं ये आगे फ्यूचर में इनके लॉस को मिनिमाइज कर सकती है। गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश टू साइक्लोन्स द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ विच be influenced by a changing climate, the center should press for global environmental funding under the UN framework to help in the building. अब देखिए इनकी vulnerability बहुत ज़्यादा है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश की साइक्लोन्स की, यहाँ पे साइक्लोन बहुत आ सकते हैं और आते भी रहते हैं, तो इसलिए जो सेंटर है उसको UN में UN का जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू फंडिंग लेनी चाहिए टू बिल्ड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। बोथ स्टेट्स हैव रिसीव्ड फंडिंग, इन्होंने पहले भी इनको फंडिंग मिली है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इन साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स सिंस 2011। साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स के चलते इनको वर्ल्ड बैंक से पहले भी फंडिंग मिली है 2011 के बाद। द प्रायोरिटी इन ओडिशा इज टू रीस्टोर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेली कम्युनिकेशन, अब भी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेली कम्युनिकेशन को वापस से सही करें, जिसमें बहुत से लोग लगेंगे, विच रिक्वायर्स अ मैसिव मैन पावर, दिस शुड बी ट्रीटेड एज नेशनल मिशन,
ये सिर्फ ओडिशा का काम नहीं है, इसको पूरा एक नेशनल मिशन की तरह देखना चाहिए। सारे लोगों को, जितने भी लोग हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। जैसे मैंने भी डोनेट किया है, इवन इफ यू वांट टू डोनेट यू कैन आल्सो डोनेट सम अमाउंट टू फनी विक्टिम्स, ठीक है, फनी विक्टिम्स। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस आर पैरामाउंट टू अवॉइड डिजीज आउटब्रेक्स, ठीक है। हेल्थ इंटरवेंशंस की भी जरूरत है, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज होती है, फर्स्ट एड, जितनी भी चीज़ें हैं वो जरूरत, उनकी भी जरूरत है ताकि कोई डिजीज ना फैल जाए, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, कुछ बीमारियां फैल जाती है, ठीक है, मच्छर से रिलेटेड हो गई या चूहे, जितने भी रोडेंट जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड बीमारी फैल जाती है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू रिस्टोर सम फिजिकल मूवमेंट। अब इन्होंने क्या किया स्टेट गवर्नमेंट ने, कि फिजिकल मूवमेंट को थोड़ा इन्होंने वापस से रिकवर कर लिया, क्या करके, हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को खोल के। इससे क्या है, दूसरी तरह दूसरे स्टेट से या कहीं से भी इनके पास हेल्प आ सकती है। द सेंटर हैज़ रिलीव्ड टेंशन अमंग स्टूडेंट। इन्होंने एक एग्जाम होना था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ओडिशा में, उसको पोस्टपोन कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इससे क्या है, स्टूडेंट्स का दिमाग भी थोड़ा हल्का हो गया, ठीक है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, कुल मिला के यहाँ पे रिलीफ है। टोल वॉज इफेक्टिवली कंटेन्ड, कि इलेक्शंस के बीच भी इन्होंने डेट टोल को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, ठीक है, बहुत ही मिनिमाइज किया। लुकिंग अहेड इंडिया मस्ट प्रिपेयर, आगे अगर हम देखें कि हमको फ्यूचर में कैसे तैयार रहना चाहिए, तो इंडिया को कैसे फार मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स के लिए रेडी रहना चाहिए अलोंग द कोस्टल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स समुद्र के आसपास हैं, ठीक है, उसके लिए इंडिया को रेडी हो जाना चाहिए अभी से। अब प्रिपेयर्डनेस जो अपन को किस चीज़ के लिए रेडी होना है, एक तो बिल्डिंग रिजाइलेंस, मतलब उन चीज़ से ऐसी हम कुछ तैयारी करके रखें कि अगर ये तूफान वगैरह आए भी तो हमको ज़्यादा हिट ना करे। जैसे कि हम कहते हैं कि भूकंप आता है तो हम उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नींव तैयार करते हैं घरों में, ठीक है, तो ऐसे ही हमको अलग अलग साइक्लोन्स वगैरह के लिए, अलग अलग डिजास्टर के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एक तरीके से इम्यूनिटी जैसे अपन बनाते हैं अपने शरीर में, वैसे एक इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी हमको, ताकि उनसे हमको ज़्यादा फर्क ना पड़े, एंड स्ट्रेंथनिंग अडेप्टेशन, हमको उन चीज़ों से अडेप्ट हो पाए हम, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू, अब ये क्या क्या हमको करना पड़ेगा इसके लिए, एक तो बेटर डिजाइंड हाउसेस, घरों को बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा, एंड साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन शेल्टर्स जो घरों में होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। गुड अर्ली वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें बहुत पहले ही पता चल जाए कि ऐसा कोई साइक्लोन या ऐसा कोई डिजास्टर आने वाला है, ठीक है, और हम उसके लिए पहले ही एकदम तैयार रहें, प्रोएक्टिव होके उसके लिए तैयार रहें। पीरियोडिक ड्रिल्स, पीरियोडिक ड्रिल्स क्या होता है, जैसे हम एक मॉक टेस्ट देते हैं, सैम्पल टेस्ट, वैसे ये इनकी जो टीम होती है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, वो भी ड्रिल्स करती है एक तरीके से, एक लाइव हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मॉक टेस्ट दे के देखती है कि हाँ भाई हमारा सब कुछ चीज़ें काम कर रहा है, और हम जब अगर रियल कोई डिजास्टर आता है तो हम कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे। एंड फाइनेंशियल रिस्क रिडक्शन थ्रू इंश्योरेंस, जितने भी लोग हैं उनको इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, ताकि फाइनेंशियली रिस्क ना उठा, मतलब कोई भी इनका पैसा या वगैरह कुछ ज़्यादा लॉस ना हो। अर्ली वेदर वार्निंग्स होल्ड द की फॉर बेटर मैनेजमेंट, ठीक है, ये अर्ली वेदर वार्निंग बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम पहले से ही किसी चीज़ के लिए तैयार रह पाए। और इंडिया का जो मेटेरियोलॉजिक डिपार्टमेंट है उसने एक बहुत ही क्रूशल रोल इस तरह प्ले किया है फोनी में हमारा लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। इट्स कमेंडेबल परफॉर्मेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनएस, की जो परफॉर्मेंस रही है कमेंडेबल, मतलब एक बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है, जिसको जिसकी प्रशंसा यूएन ने भी की है, ठीक है। ओडिशाज एक्सपीरियंस विल बी कीनली फॉलोड बाय यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस। यूएन का जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस होगा May 13th को जिनेवा में, वहाँ पर भी ओडिशा के इस एक्सपीरियंस की बात की जाएगी, एंड उनसे इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि इन्होंने इलेक्शंस के चलते इन्होंने कितना अच्छा काम किया, इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट करके सारी टीम्स ने जितने भी डेथ टोल को था उसको मिनिमाइज किया है, ठीक है। तो यही था इस एडिटोरियल में। अब मैं ज्वाइन एग्जाम लेक्सिकन ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल और PDFs वगैरह डालता हूँ, और अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये दो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो इस काम को कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे अहेड, जय हिंद, वंदे मातरम।